निसान कश्काई, निसान एक्सट्रेल और निसान जूक, ये तीन गाड़ियां ऐसी हैं जो कि भारतीय बाजार में अगले साल तक लॉन्च की जाएंगी, ऐसा कंपनी का कहना है। अब कश्काई के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक्सट्रेल के बारे में बता चुका हूँ, जूक में क्या कुछ खास देखने को मिलता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले तो आप गाड़ी को देख लो, ये बेसिकली गाड़ी जो है कॉम्पैक्ट सी नजर आएगी, क्रॉस ओवर हैचबैक टाइप नजर आएगी, हैचबैक से बड़ी है थोड़ी सी खैर, लेकिन अगर आप फ्रंट प्रोफाइल देखते हो इस गाड़ी का तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तेज तर्रार नज़र आता है। ये वाला जो मॉडल है ये हाइब्रिड मॉडल है, खैर उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर आप ग्रिल देखोगे तो ग्रिल थोड़ी सी यूनिक नज़र आएगी, हालांकि जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो आपको सेम निसान वाला ही देखने को मिल जाता है। निसान का यहाँ पर बड़ा सा लोगो और यहाँ पर आप देखते हो जो टिपिकल निसान की जो DRL हर गाड़ी में देखने को मिलती है ना प्रॉपर, वैसा ही आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये काफ़ी फैंसी सा LED हेडलाइट देखने को मिल जाता है अगर आप यहाँ पर देखते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ये जो फ्रंट प्रोफाइल है ये इतना ज़्यादा चौड़ा नज़र नहीं आएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा तेज तर्रार, बहुत ही ज़्यादा एरोडायनामिकली ये नज़र आएगा। नीचे की तरफ यहाँ पर छोटा सा फॉग लैंप दिया गया है और यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स आप देख सकते हो, आगे की तरफ यहाँ पर आपको रडार देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल में और देखते हैं साइड प्रोफाइल में कंपनी क्या कुछ खास इस निसान जूक में ऑफर कर रही है। अब ये गाड़ी दिखने में साइड से जितनी छोटी नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप इसके टायर्स की तरफ देखोगे ना तो ये काफ़ी बड़ी सी गाड़ी नज़र आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 19 इंच के व्हील्स दिए गए हैं इस क्रॉस ओवर हैचबैक में, जैसा कि बताया हाइब्रिड यहाँ पर लिखा हुआ है साइड में, अभी हाइब्रिड वर्जन है तो इसी वजह से ये जो एलॉय व्हील्स आप यहाँ पर देख रहे हो ये प्रॉपर हाइब्रिड टाइप दिए ताकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर माइलेज मिल सके और काफ़ी एरोडायनामिकली इसे डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आप देखते हो तो ब्लैक क्लैडिंग देखने को मिल जाती है आपको नीचे की तरफ, और साथ ही अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको डोर हैंडल्स जो हैं वो बॉडी कलर्ड देखने को मिल जाते हैं। ओवरबीम जो है वो आपको ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाता है क्योंकि डुअल टोन कलर है, तो आप ऊपर की तरफ भी ब्लैक फिनिश देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रियर डोर के लिए यहाँ पर देखते हो तो दरवाजे कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपने मारुति की स्विफ्ट में देखा होगा वैसा ही कुछ आपको यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप ये डोर हैंडल्स देख सकते हो और ये प्रॉपर ब्लैक ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी में प्रीमियम नज़र आ रहा है। इधर अगर आप देखते हो ये जो व्हील आर्च है ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड नज़र आएगा और यहाँ पर ब्लैक क्लैडिंग का इस्तेमाल किया गया है जो कि इस गाड़ी को प्रॉपर स्पोर्टी लुक देती हुई नज़र आ रही है। अब अगर आप रियर प्रोफाइल देखते हो ना तो ये बहुत ही ज़्यादा तेज तर्रार नज़र आएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सारे एलिमेंट्स ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि इस गाड़ी को एक प्रीमियम स्पोर्ट्स कार वाला टच देते हुए नज़र आते हैं। चाहे आप इसका ये वाला पार्ट देखो, और अगर आप LED टेल लाइट देखते हो तो ये भी काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आती है। इसके अलावा हाइब्रिड यहाँ पर लिखा हुआ है, साइड में भी लिखा हुआ था, यहाँ पर भी आपको हाइब्रिड लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको ये जो बम्पर है ये आपको ब्लैक फिनिश में ही देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी को एक स्पोर्टी टच देता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आप इसका बूट ओपन करते हो तो बूट स्पेस आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, और अगर आप नीचे की तरफ देखते हो तो यहाँ पर आपको छोटा सा पार्टीशन भी देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आप इसे लगाते हो तो आपको दो तरीके में स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाएगा, हालांकि आप इसे हटा भी सकते हो और अच्छा खासा बड़ा स्टोरेज स्पेस हासिल कर सकते हो। और इसके नीचे अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील वगैरह देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पर एक छोटी लिथियम आयन बैटरी ज़रूर देखने को मिल जाती है। अब कर लेते हैं इसे बंद और चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में और देखते हैं वहाँ पर क्या चीज़ें ऑफर कर रही है कंपनी निसान जूक में। अब निसान जूक के जैसे ही आप इंटीरियर में आते हो आपको लग रहा होगा कि मैं ये इस तरफ क्यों बैठा हूँ। बेसिकली ये वाला जो प्रोडक्ट है ना ग्लोबल प्रोडक्ट है, कंपनी यहाँ पर सीधा एज इट इज़ उठाकर लेकर आ गई है, इसलिए यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड ड्राइव ये देखने को मिल रहा है सिस्टम। इसके अलावा आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर आपको प्रॉपर ये जो सीटें हैं ये प्रॉपर स्पोर्ट सीटें देखने को मिल जाती हैं, कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ नहीं आती हैं, यानी कि फिक्स्ड है जिस तरीके से आपको लैम्बोर्गिनी या फिर फरारी वगैरह में स्पोर्ट सीटें देखने को मिलती है ना बिल्कुल फिक्स्ड हेडरेस्ट के साथ, वैसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और यहाँ अगर पूरा प्रॉपर ये लेआउट देखते हो तो ये प्रॉपर स्पोर्टी फील देता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर आपको ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा के साथ आता है, हालांकि ये जो कैमरा वगैरह है उतनी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर नज़र नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर आपको एक सराउंडिंग जो लाइट्स है वो आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप आते हो तो यहाँ पर ये बेसिकली हाइब्रिड मॉडल है, तो यहाँ पर आपको एक हाइब्रिड का यहाँ पर मीटर देखने को मिल जाता है, दोनों एनालॉग मीटर हैं और बीच में आपको ये MID यूनिट देखने को मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखते हो तो ये टिपिकली वैसा ही कुछ नज़र आएगा जैसे कि आपको कश्काई और एक्सट्रेल में दिखाया था,
तो वैसे ही स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर गियरबॉक्स काफ़ी स्पोर्टी नज़र आता है और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये जो एसी वेंट्स वगैरह हैं ये भी काफ़ी बढ़िया और प्यारे नज़र आते हैं। सर्कुलर एसी वेंट्स है, यहाँ नीचे की तरफ आपको एसी कंट्रोल्स वगैरह इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये फ़ोन रखने की एक ट्रे मिल जाती है छोटी सी, लेकिन यहाँ पर कोई भी वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं है। 12 वोल्ट का एक सॉकेट, यहाँ पर टाइप ए यूएसबी पोर्ट, स्टार्ट स्टॉप बटन और ड्राइव मोड्स अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको 3 ड्राइव मोड्स देखने को मिल जाते हैं, स्पोर्ट, इको और स्टैंडर्ड, जिस तरीके से आपको एक्सट्रेल और काशकाई में देखने को मिल रहा था। 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट और अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस। बाकी अगर आप इस गाड़ी को अंदर से देखते हो तो ये प्रॉपर एक स्पोर्टी फील देती हुई नज़र आएगी, क्योंकि ये निसान की एक ऐसा पैकेट है, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप है, कि दिखने में जितनी छोटी है चलाने में उतनी ही ज़्यादा ये तेज तर्रार आपको लगेगी। फिलहाल भारतीय बाज़ार में कंपनी इस गाड़ी को लॉन्च करेगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट ही कंपनी बाहर वाला यानी कि जो ग्लोबल प्रोडक्ट है वही लेकर आ गई है, तो कब लॉन्च होगी भगवान जाने। अब चलते हैं रियर सीटों पर और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ कंपनी ऑफर कर रही है। रियर सीटों पर आते हैं तो यहाँ पर भी आपको जो सीटें हैं वो काफ़ी स्पोर्टी टाइप देखने को मिलती हैं, लेकिन उतना ज़्यादा स्पेस देखने को नहीं मिलता है क्योंकि स्पोर्ट्स कार है, तो जाहिर सी बात है ये जो गाड़ियाँ होती है ड्राइवर फोकस्ड कार होती हैं। अब फ्रंट वाली जिस तरीके से सीटें थी ना, जो हेडरेस्ट था वो प्रॉपर फिक्स्ड था और इसी हेडरेस्ट पे आपको यहाँ पर ये बोस का स्पीकर भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको बेहतर साउंड क्वालिटी ऑफर करता हुआ नज़र आता है। स्पीकर्स अगर आप देखोगे ना इस गाड़ी में तो आपको बड़े बड़े से नज़र आएंगे, यानी कि इस गाड़ी को प्रॉपर ड्राइवर फोकस्ड और एंटरटेनमेंट यानी कि म्यूज़िक आउटपुट जो होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है अगर दो लोग यहाँ पर बैठते हैं, अंडरनीथ थाई सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेग रूम कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, हेडरूम यहाँ पर आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, स्टोरेज स्पेस एक एक लीटर की पानी की बॉटल के अलावा थोड़ा बहुत सामान, और बाकी अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता है, ये प्रॉपर फिक्स्ड है। आप 3 लोग बैठाओगे तो थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, यानी कि उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं बैठ पाएंगे। बाकी 3 लोगों के लिए यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट ज़रूर कंपनी ने दिया है और 3-point सीट बेल्ट भी दी है। अब चलते हैं और इंजन की बात कर लेते हैं। इसमें 1.6 लीटर का इंजन मिलता है जो कि ई मोटर के साथ आता है। इंजन 94 bhp की पावर और ई मोटर 49 bhp की पावर जनरेट करती है। जैसा कि पहले बताया, भारतीय बाजार में इस गाड़ी को कब लॉन्च किया जाएगा कोई जानकारी नहीं है, फिर भी अनुमानित कीमत मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये भारतीय बाजार में कंपनी लॉन्च भी करती है तो इस गाड़ी की जो शुरुआती कीमत है वो 15 से 18 लाख रुपए हो सकती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि निसान का जूक जो कि एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर हैचबैक है उसका डिटेल्ड वॉकराउंड देखना चाहते हैं।